हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है शेयर मार्केट की एक और वीडियो में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एवरेज प्राइस के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि जितने भी नए लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं जब एवरेज प्राइस देखते हैं तो थोड़ा सा उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसको लेके बहुत सी वीडियो पे कुछ भाई लोगों ने कमेंट किया है। तो पहले भी बहुत सारे कमेंट आए थे जिनका मैंने रिप्लाई उन लोगों को दे दिया। अब ये नहीं पता कि पूरी तरीके से संतुष्ट हुए थे कि नहीं। और अभी भी हाल ही में दो भाई लोगों के कमेंट आए हैं एवरेज प्राइस को लेके ही, तो इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो एवरेज प्राइस पे मैं बना देता हूँ, शायद बहुत लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो। सो वो भाई क्या लिखते हैं मैं आप लोगों को ये पढ़ के बता देता हूँ। उनका कहना है कि उन्होंने 100 रुपये में शेयर ख़रीदा था, 120 रुपये में बेच दिया था और फिर वो नीचे आया 110 रुपये पर, तो फिर उन्होंने उस शेयर को बाई कर लिया। अब उनका क्या है कि एवरेज प्राइस जो है उनको दिखा रहा है 100 रुपये, और इसी को लेके वो कन्फ्यूज़ हैं। और उन्होंने पूछा कि जो एवरेज प्राइस हमको दिखा रहा है 100 रुपये और हमको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो हमको प्रॉफिट होगा ये नहीं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आपको प्रॉफिट दिखा रहा है इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तभी प्रॉफिट दिखा रहा है, आपको प्रॉफिट ही होगा। अब एवरेज प्राइस को लेकर कन्फ्यूज़न क्यों आती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई शेयर पहले से ख़रीद के होल्ड करके रख रखा है 100 रुपये पर, और फिर जब वो 120 रुपये पे आ जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। अब फिर क्या होता है, जब आप जिस दिन सेल करते हैं फिर आपको लगता है कि देखते हैं उस शेयर का प्राइस फिर 110 रुपये पे आ गया है, तो आप क्या करते हैं उस शेयर को फिर से बाई कर लेते हैं। लेकिन जब आप जैसे ही पोजीशन में जाते हैं तो आप देखते हैं क्या कि आपका जो प्राइस है वो एवरेज प्राइस दिखा रहा है, कुछ और दिखा रहा है, जिसपे आपने ख़रीदा वो नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है और ये एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, यही मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा बिल्कुल। आज से अगर आपको एवरेज प्राइस को लेके कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं या तो रिप्लाई दे दूँगा या वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो अभी तो मान लीजिए भाई ने सेल कर दिया है और फिर से बाई किया तो कन्फ्यूज है। अब कितने लोगों का ये होता है कि वो कई बार बाई कर लेते हैं शेयर को अलग अलग प्राइस पे, तब भी क्या होता है कि वो एवरेज प्राइस ही शो होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए दोस्तों आप चलना पड़ेगा अपने मोबाइल के कैलकुलेटर पे और वहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। सो अभी मैं डायरेक्ट चलता हूँ आपको लेके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, वहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और वहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि एवरेज प्राइस क्या है और कैसे एवरेज प्राइस आ जाता है और कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी बने रहिए वीडियो में, अब चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ पे ओपन करते हैं कैलकुलेटर और आपको हम सब कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और अब ओपन करते हैं कैलकुलेटर को। सो दोस्तों मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर को 100 रुपये में बाई किया है और उसको होल्ड करके रखा है, 100 रुपये में आपने बाई किया है और कितने आपने क्वान्टिटी में बाई किया, 200 शेयर आपने बाई किया है, तो आपका ये हो गया 20,000 रुपये का, यानी कि टोटल जो है कि आपने 20,000 रुपये किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है और एक दिन आप देखते हैं कि उसका प्राइस 120 रुपये हो गया, तो आपका अब ये कितने का प्राइस हो जाएगा, पूरा 24,000 का हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं 120 कर देते हैं, 120 और 200 शेयर हैं तो 24,000 रुपये के हो गए। तो आपने क्या किया, इसको आज आपने सेल कर दिया, यानी कि जो 200 शेयर थे आज आपने उसको सेल कर दिया और एक दो घंटे बाद रुकने के बाद आप देखते हैं कि जो 120 रुपये पे गया था अब वो एक गिर के 110 रुपये पे आ गया। तो आप सोचते हैं कि इस शेयर को हम फिर से बाई कर लेते हैं 110 रुपये के प्राइस पे और आपको लगता है कि आगे भी हमको प्रॉफिट देगा, तो आप फिर से क्या करते हैं 200 शेयर बाई कर लेते हैं। कितना, 200 शेयर फिर से आप बाई कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले आपने कितने का शेयर बाई किया था, 20,000 रुपये का, तब प्राइस था 100 रुपये। अब अभी क्या है, आपने 22,000 रुपये के शेयर बाई किए हैं और प्राइस है 110 रुपये और लेकिन सेम कंपनी के शेयर हैं। मान लीजिए पहले से आपने होल्ड करके रखा है, आज ही उसको सेल कर दिया और आज ही उसका थोड़ा सा और प्राइस गिरा तो आपने इसको फिर से बाई कर लिया। मेरे कहने का मतलब 120 रुपये पर आपने उसको सेल किया, पहले 100 रुपये पर ख़रीदा था आपने, 120 रुपये पर सेल किया और फिर वो 10 रुपये गिर गया, यानी 110 रुपये पर आ गया, तो फिर से आपने उसको बाई कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल करते हैं, तो 22,000 रुपये का आपने शेयर आज ख़रीदा फिर से सेल करने के बाद और पहले आपने उसी कंपनी के शेयर को ख़रीदा था तब कितने आपके पैसे लगे थे, 20,000 रुपये 100 रुपये के हिसाब से। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और वो जो पहले का 20,000 है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो अभी कितने हो गए हमारे,
42,000, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करने के बाद अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 42,000 को डिवाइड किससे किया जाएगा, नंबर ऑफ शेयर से किया जाएगा, यानी कि जितने शेयर आज तक आपने खरीदे उस कंपनी के उतने शेयर से इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो हम कितने शेयर खरीद चुके हैं अभी, 200 पहले खरीदे थे और 200 अभी आज खरीदे हैं। 200 पहले से होल्ड करके रखे थे हमने, जब प्राइस 120 रुपये हो गया तो उसको सेल कर दिए, और दोबारा से जब उसका प्राइस 110 रुपये पे आया तो फिर से हमने उसको 200 शेयर बाई कर लिए। तो हम यहाँ पे इसको 400 से डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। तो ये जो प्राइस आपके सामने निकल के आएगा 105 रुपये, यही होगा एवरेज प्राइस। तो दोस्तों, ये जो कमेंट में भाई साहब ने पूछा था, मुझे उम्मीद है कि उनको जवाब तो मैंने दे ही दिया। अगर आप भी कंफ्यूज रहे होंगे इस चीज़ को लेके, एवरेज प्राइस को लेके, तो आपका भी कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। सो इसके बाद भी अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में गिना जाएगा, अगर लॉस होता है तो आप लॉस में जाएंगे, लेकिन आपका एवरेज प्राइस भी उसी हिसाब से चलता रहेगा। एवरेज प्राइस आपका 105 रुपये आ गया, 105 रुपये ही दिखाएगा। अब इसके हिसाब से आगे जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, अगर इसके हिसाब से आपका प्राइस जो है कि शेयर की प्राइस गिरेगी तो आपको लॉस होगा। अभी क्या है कि अब कुछ केसेस में ये होता है कि मान लीजिए उन्होंने पहले से होल्ड करके रखा था, आज ही सेल कर दिया, आज ही बाई कर लिया फिर से, तो उनका ये एवरेज प्राइस आया। अब क्या है, कई लोग क्या करते हैं, पहले से मान लीजिए किसी ने होल्ड करके रखा है शेयर और आज भी बाई कर लिया उसको, तो मान लीजिए पहले से 100 रुपये का शेयर उन्होंने ख़रीदा था, 100 शेयर ख़रीदा था, मान लीजिए 100 रुपये के हिसाब से 100 शेयर ख़रीदा था तो 10,000 रुपये का था, और आज फिर क्या हुआ कि अगर उसका प्राइस गिरता है 100 रुपये के, 100 रुपये से नीचे गिर जाता, मान लीजिए 90 रुपये का हो जाता है, तो आज उसने, उस बंदे ने क्या किया, 90 रुपये के हिसाब से फिर से उसने 200 शेयर ख़रीद लिए, ये हो गया 200 शेयर, अब यहाँ पर हो गया 18,000 रुपये और पहले के 10,000 रुपये। अब इन दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे प्लस 10,000, तो कितना हो गया, ये 28,000 रुपये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे इसको, और पहले का उनका 100 शेयर, अब की बार का 200 शेयर, इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, यानी कि 100 शेयर पहले के और 200 शेयर आज के, 300 शेयर से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसका एवरेज प्राइस इतना दोस्तों आ जाएगा 93.03 रुपये। और मान लीजिए अगर फिर से इसको शेयर को जितना बार आप बाई करेंगे, एक ही कंपनी का शेयर मान लीजिए आपने होल्ड करके रखा है और जितनी बार इसको बाई करते जाएंगे उतनी बार आप क्या करिएगा, पूरे प्राइस को कैलकुलेट करिएगा, बराबर करिएगा, उसको जोड़ दिएगा, उसके जोड़ने के बाद जितना भी आपका शेयर होगा, नंबर ऑफ शेयर, जितने भी क्वान्टिटी होंगे, उसके पैसे में आप उससे भाग दे दीजिएगा, सिंपल। उसके बाद जो आपका आएगा निकल के वो एवरेज प्राइस होगा, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और नए लोगों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।